व्हाट्स अप गाइस, हमारा आज फिर से आ गए रेड शैडो की वीडियो लेके। दोस्तों को वीडियो पसंद आए जो लाइक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भैया उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारा स्पाइडर का 2x इवेंट चल रहा है, सॉरी ड्रैगन का, जिसके अंदर आपको डबल चांस जो है हमारा स्पीड के आर्टिफैक्ट्स लेने के लिए। तो मेरे को भी कल ही पता चला, कल आधी एनर्जी तो मैं अपनी वेस्ट कर चुका था, बाकी की जो एनर्जी मुझे मिली थी वो सारी की सारी मैंने अपनी ड्रैगन के अंदर लगा रखा, क्योंकि स्पीड के आर्टिफैक्ट्स मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम से नए लेने की कोशिश नहीं करी। अब मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो ठीक ठाक सेट मिले हैं, अपग्रेड करके देखते हैं कि कुछ भैया हमारे काम का मिलता है अभी कि नहीं। तो कहाँ गया भाई, ये हमें बड़ा ही अच्छा एक लेजेंडरी मिला था, कहाँ गया भाई। या आई थिंक ये काफी अच्छा सेट है, पर स्पीड के रोल्स कितने मिलते हैं ये तो भाई किस्मत के ऊपर ही होता है। एटलीस्ट दो या तीन तो आज की डेट में मुझे चाहिए, क्योंकि ओके ये पहला वाला तो फेल हो गया, लगता है मुझे इसको सेल करना ही पड़ेगा, कुछ काम का मुझे ये आर्टिफैक्ट जो है लग नहीं रहा। साथ ही साथ टू टाइम्स हमारा एंशिएंट इवेंट जो है आ गया, हम शार्ट्स को पुल करने वाले हैं, तो टू टाइम्स के अंदर साथ में हमारा 10 टाइम जो है, तो ये भाई ये आर्टिफैक्ट तो होगा सीधा सेल, एकदम किस्मत ही खराब है। तो मुश्किल से साला सेट मिलता है, उसके बाद भी हमें जो हमें रोल्स चाहिए वो हमें नहीं मिलते। तो प्रिंस कायमार का हमारा आ गया है 2+10x, जी हाँ डबल चांस हमारे एंशिएंट से है, 1.5% होता था 1% है, साथ ही अगर आप लकी रहे तो उसके अंदर भी आपको 10 चांस है, पर 10 चांस का कोई फायदा आपकी जेब में बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत ही सारे लेजेंडरी चैंपियन हर महीने एक नया लेजेंडरी चैंपियन आता ही है, साथ ही साथ गेम एटलीस्ट 10 नए लेजेंडरी चैंपियन जो है और ज्यादा ईजाद कर देती है, जो आपको डेली लॉगिन में मिलते हैं या किसी इवेंट को जीतने मिलते हैं, या कहीं ना कहीं से आप जो है 10 बार लेजेंडरी चैंपियन शार्ट खोल करके और ज्यादा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लैन वर्सेस क्लैन अभी खत्म ही हुआ है, और यूजुअली हम हार गए क्योंकि हमारे कई सारे क्लैन मेट जो है उन्होंने गेम खेलना ही ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। तो भैया ये सारे बहुत सारे जो है यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल रहे थे, सबको कलेक्ट कर लेते हैं, सारे सारे हमारे काम आएंगे गेम के अंदर। चिकन्स रैंक 4 के चिकन्स बहुत सारी चीजें में मिलती हैं, की मैं अभी बाद में यूज करूंगा जब मैं क्लैन बॉस को भी कल करूंगा, और पहले सारे कलेक्ट कर ले भाई, क्या है बहुत सारी चीजें भाई, तो मैंने कभी नोटिस करी नहीं, एक साथ हम कलेक्ट करते हैं रिवॉर्ड्स को तो ध्यान नहीं रहता। और काफी सारी एनर्जी है, जो सारी एनर्जी मैं लगाने वाला हूँ ड्रैगन के अंदर, तो आप भी कोशिश कीजिए सारे के साथ जो आपको एनर्जी हम मर्जी से मिली हुई, देखो खूब सारी एनर्जी है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, सबको मैं यूज करने वाला हूँ। तो आइए शार्ट्स को बुल करते हैं हमारे, और मैंने 69 एंशिएंट शार्ट्स में बुल कर चुका हूँ, मैं अपने नोट करता रहता हूँ। साथ ही साथ सॉरी इससे पहले भाई साहब, क्लैन बॉस के रिवॉर्ड्स तो हम अपने भूल ही गए भाई, क्लिक मैं यहाँ कर रहा हूँ पता नहीं क्या खुल जाता है गेम के अंदर। ओके तो अल्टर नाइटमेयर में क्या हमें रिवॉर्ड मिले हैं, नाइटमेयर हमने दोनों के दोनों बीट कर दिए हैं, और आर्टिफैक्ट बेकार सा आर्टिफैक्ट कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट में क्या मिलता है, मेरा एपिक बुक, आई थिंक एपिक बुक तो हमारे लिए अच्छी ही होती है अल्टरनेट पर, लेट्स सी क्या मिलता है हमें, इंशन चार्ट को गारंटीड मिलता ही है, और कुछ मिले इमोर्टल, ओके क्या ये अच्छा है, आई डोंट नो मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, एपिक बुक वॉइड चार्ट, आई थिंक ये एक ठीक ठाक रिवॉर्ड है, ज्यादा बुरे हमारे रिवॉर्ड्स नहीं है। तो प्रिंस कैमरा को ऑलरेडी पता ही कि बहुत ही बढ़िया चैंपियन है, और हमें चाहिए गेम के फास्ट रन्स के अंदर का बहुत ही बड़ा रोल है। यूजुअली मैं अभी अपने शार्ट से एटलीस्ट 1/3 जो है कम हूं जो मस्त सिस्टम होता है, पर मे बी आई डोंट नो, पर अगर लेजेंडरी चैंपियन हमारा निकल भी आता है तो भी क्या कहते हैं भाई साहब, जो चैंपियन चाहिए 10 टाइम्स में वही गारंटीड मिले वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भाई साहब अभी तक तो सारे के सारे एपिक्स ही मिल, सॉरी रेयर्स ही मिल रहे हैं, 1% फिर भी बहुत ज्यादा कम होता है। एपिक चैंपियन मिल गया और हमें मिली है होप, जिस कॉनोनिस या इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आई थिंक शैडो गन के कुछ मेरा जो है फैक्शन गार्जियन वगैरह मैं कंप्लीट कर ही लूंगा। अरे भाई मैं क्या क्लिक करता हूँ क्या खुल जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। आई थिंक शैडो गन का हमारा जो है कोर रेयर का कोटा जो है पूरा हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। चलिए भाई साहब फिर से शुरू करते हैं अपने खोले एंशिएंट, आई थिंक 10 एंशिएंट शैडो में खोलूंगा तो शायद मेरी कितनी अच्छी रहेगी क्या नहीं रहेगी, कितने एपिक्स मिलेंगे। आई थिंक 2 एपिक्स मुझे मिलेंगे इस 10 टाइम्स के अंदर, लेट्स सी कि 2 एपिक भाई, पर मुझे चाहिए लेजेंडरी चैंपियन जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। एंड अभी तो एक थोड़ा सा रेलिक कीपर एंड एक और मिलेगा एपिक,
दो एपिक मिले, अल्टीमेट गैलक एंड रैली कीपर, दोनों के दोनों ही मेरे काम के नहीं है। अल्टीमेट गैलक आप यूज कर सकते हैं गेम के अंदर, या एचपी बर्न लगाता ना, अटैक ऑल एनिमी ईच डेथ 50% चांस ऑफ एचपी बर्न, वन एनिमी 50% चांस एचपी बर्न। ओके, एचपी बर्न का चांस है जिनके बाद, सॉरी, इसके बाद इंक्रीज अटैक हो, तो आई थिंक ये यूज हो सकता है। आप हाइड्रा बॉस के अंदर यूज कर सकते हैं अब, पर ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है इसको। आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी को यूज करते हुए जो है इसको देखा है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे शार्ट जो मिले हैं अभी हमारे जो है काम आ जाएंगे हमारे फैशन गार्जियंस के अंदर, वो भी मैं अभी ला के आपके सामने ही दिखाऊंगा। 10 शार्ट हमने खोले हैं, आई थिंक बेस्ट टाइम यही होता है क्योंकि अभी भी फ्यूजन खत्म ही हुआ है, तो मुझे फ्यूजन के लिए अपने शार्ट्स को बचाने की जरूरत जो है वो नहीं रहेगी, वरना फ्यूजन के नाम इवेंट के अंदर जो है मजबूरी में करना ही पड़ता है। अभी तक कोई भी ढंग का चैंपियन मेरे को नहीं मिला, और बहुत ही कम ऐसे एपिक्स हैं जो मुझे चाहिए जो मेरी गेम के अंदर हेल्प करेंगे, स्पेशली कार्डियल वगैरह अगर मुझे मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल मेरे पास काफी सारे एपिक्स, तो मोस्टली सारे एपिक्स हैं जो मुझे चाहिए, एक दो ही शायद चाहिए होंगे, बाकी फिर भी मेरे सारे हैं, और लेजेंडरी तो बहुत ही सारे चाहिए। अभी तक तो भाई कोई भी लक नहीं लग रही, 5 इंजीनियर हम खोल चुके हैं और इसके अंदर कोई भी एपिक हमें नहीं मिला। आई थिंक अगर हम देखें तो 10 एंशिएंट चार्ट को पुल करने के बाद एक एपिक तो मिलता ही है, अभी देखेंगे 6 हम खोल चुके हैं और एक भी एपिक नहीं मिला, तो भाई 16% चांस होता ना आई थिंक एपिक का हमारा, और 16% चांस जो है हमें आई थिंक 8 के बाद 9 के बाद हमें जो है एपिक, अब तो एपिक मिल ही जाना चाहिए, तो गारंटेड ही मिलना चाहिए। तो भैया डेट सी की क्या मिलता है भाई साहब, क्या हो रहा है, सारे के सारे रेयर मिल रहे, ये कौन सा 2 टाइम्स है, व्हाट इज दिस मैन, एन एपिक मिल ही गया आखिरकार। और सोल ड्रिंकर बॉम्ब के लिए बहुत ही बढ़िया चैंपियन है, जब भी ये मर जाता है तो एनिमी के ऊपर लगा देता है बॉम्ब, और काफी ज्यादा इसको मैंने कहाँ यूज करते हुए देखा है, आई थिंक बॉमल के अंदर आप यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी ये है और मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मैं भी शायद फ्यूचर में करूंगा, पर अभी मेरे पास ऑलरेडी मेरी प्लेट जो है चैंपियंस की ऑलरेडी भरी हुई है जिनको मुझे बनाना है। तो लास्ट टाइम हमारे इंशियंट बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ 10 के 10 एक शायद ही खोल लूं, शायद मैं 900 जेम्स और स्पेंड करूंगा अपने शार्ड को लेने के लिए, अच्छा नहीं है, पर वही खोलना पड़ेगा। जॉर्जन मेरे पास ऑलरेडी है, क्रॉक्स बी फीडर भी मेरे पास है, एंड आई थिंक इन सब में से मेरे पास सारे के सारे चैंपियन हैं, ये मैंने कभी यूज किया नहीं है शायद, शैडो किंग का आई थिंक मेरे पास, इसको मैं डूप सिस्टम के अंदर यूज कर सकता हूँ, इग्नोर एनकिलेबल एचपी बेस्ड चैंपियन है, आई थिंक ये हिट भी काफी ज्यादा अच्छा हार्ड करता है, और क्रॉक तो बी फीडर ओरिजिन ड्राइव्स का है, इंक्रीज एक्यूरेसी काफी ज्यादा आपको गेम के अंदर काम आ सकती है, शील्ड भी काम आ सकती है, आई थिंक ये आपको फैक्शन वॉर्स के अंदर जो है मदद कर सकता है। लेट्स सी, अपने जेमिन को जल्दी से लगाते हैं यहाँ पे, और शेडो केन, और ये अपना जो है एक छोटा सा कोटा यहाँ पे अपना पूरा कर लेते हैं, और स्लोटो के 15 इंक्रीज, और प्रेंद्र एक्यूरेसी हमारी बढ़ गई है सारे एपिक चैंपियन के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। कोई रेयर वगैरह मिला है मैं जो हम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं, एंड नाइट रेवेनेंट का भी नहीं मिला, और कौन कौन बचा भाई, ऑक्स के भैया मेरे पास रेयर्स की काफी ज्यादा कमी हो रही है भाई साहब, बहुत ही कम मेरे पे ड्रॉप हो रहे हैं, बाकी तो मोस्टली सारे के सारे हमने कर लिए हैं, तो करने वाले हम जेम्स को, और डेली जेम शॉप के अंदर भैया 900 जेम्स के अंदर जो हमें मिलते हैं 11 इंच शार्ट, क्या आई थिंक 900 जेम्स और 11 इंच शार्ट वर्थ है, आई थिंक मेरे हिसाब से यस हमारी जो है ये वर्थ है, मे बी इस बार थोड़े से ज्यादा लकी हो जाएंगे अगर हमें मिल गया तो, पहला खेलेंगे इंशन चार्ट और हमें क्या मिलता है, क्या बाकी वाले दिनों में भी अपने शार्ट पुल मैं करूंगा क्योंकि हमें कल परसों भी कैनबॉक्स वगैरह से जो है रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे, और किस्मत अच्छी होगी आई डोंट नो, कि मेरे पास स्लॉट की थोड़ी कमी होगी, जल्दी से अपनी जगह खाली करते हैं फिर दोबारा आते हैं। तो एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो ये प्रिंस का हमारे में खाली एंशिएंट शार्ट से ही मिलेंगे, तो कोई और अगर शार्ट हम खोलेंगे तो उसका कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा, आप 10 शार्ट एक साथ खोलें या एक एक करके खोलें भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। आई
आई थिंक एक एक करके खोल सकते हैं अगर हम चाहें तो, चलो एक एक करके ही खोलते, थोड़ी सी वीडियो ज्यादा इंटरटेन नहीं होनी। पर मैंने नोटिस किया अगर आप 10 टाइम जो है अपने शार्ट्स खोलते हैं तो थोड़ा सा चांस जो है बेटर हो जाता है। मे बी शायद आप एक साथ शार्ट्स खोलते हैं तो गेम का एल्गोरिदम जो है वो एक तरीके से जो है रीसेट होता होगा, आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं। पर मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया है वो 10 चार्ट्स खोलने के साथ एक साथ ही थोड़ा बढ़िया होता है। और हमारे पास जेम्स नहीं है अभी तक, कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा, सब सड़े से चैंपियन मिले हैं और कोई भी हमारे काम का अभी तक जो है नहीं मिला। हो भाई कहाँ गया भाई प्रिंस कायमार, लिटरी ये मेरे लिए शायद नया आया, लिटरेंट लिटरियंट क्या करता है भाई, इंक्रीज स्पीड 30% चांस, 15% इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड ओके आई थिंक ये ठीक ठाक है। चलो ओ भैया 5 चार हमारे बचे हैं, क्या हमें कुछ मिलेगा? आई थिंक एक एपिक मिलेगा और बस उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि हमें प्रिंस कायमार मिल जाए भाई, गेम के टॉप चैंपियन और डेफिनेटली जो चैंपियन मुझे चाहिए ही चाहिए, इतनी अच्छी किस्मत। ओके ऑक का हमें मिल गया रेडर, तो ये मैं लगाने वाला हूँ हमारे फैक्शन का। जिन्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कमी है मेरे पास ऑक के डुप्लीकेट चैंपियंस की। 2 शार्ट और कुछ भी नहीं मिला क्या? सच्चा बैड मैन। तो भाई बहुत सारा था हमारे पास फूड इकट्ठा हो गया भाई आपके सामने, ये 10 चार्ट मैं खोल चुका हूँ कुछ भी नहीं मिला भाई। ये इसमें तो कुछ दे दो, कुछ तो दे दो भाई गेम, कुछ तो दे दो। एंड 10 चार्ट उसके अंदर हमें मिला है कुछ भी नहीं। आई डोंट नो किस टाइप का 10x है। 10 चार्ट खोलने के बाद एक एपिक तो मिल ही जाना चाहिए था, और 10% भी होता भाई, 10% से ज्यादा चांस है, 10 भी नहीं आई थिंक 16% चांस है। पर हमें जो है कुछ नहीं मिला, ना मेरे पास जेम्स है ना मैं गेम में पैसे खर्च करता हूँ। तो भैया हमारा जो है सफर यही खत्म हो गया है। चलिए यार एक सेकेंड शॉट खोल लेता हूँ ऐसे ही मजे लेने के लिए, बस आपके वीडियो बनाने के लिए कि कुछ हमें शायद मिल जाए। आई डोंट थिंक कि कुछ मिलने वाला है, एपिक मिला है और हमें कालिया मिल गई है जो हमें नहीं चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।